हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। वेलकम इन फिजिक्स क्लास 12th, चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज लेक्चर नंबर 5। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरियस टॉपिक ऑफ द चैप्टर लाइक दैट पावर इन एन एसी सर्किट, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एक्सेट्रा एंड पावर फैक्टर। सो आज के हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली जो बात करने वाले हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी और डेरिवेशन का, उसमें मशीन होगा और कुछ एक दो टॉपिक जैसे एलसी, ऑक्सीलेशन एक्सेट्रा, ये सब के बारे में होगा। तो ये सेकेंड लास्ट आप कह सकते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में मैंने जो भी टॉपिक लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे समझना थोड़ा हटके है, इससे अलग है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको हम समझेंगे। इससे पहले कि जो भी लोग अभी इससे पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 अभी नहीं विजिट किया है, तो सबसे पहले आप उस पीछे जाएं, प्ले स्टोर में जाएं और वहां से आप लेक्चर नंबर 4 पहले विजिट करें, क्योंकि अगर आप लेक्चर एसी के सारे लेक्चर अगर आपने देखा होगा तब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं भी देखा होगा या नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे पावर इन एसी सर्किट, तो हम पावर इन डीसी तो क्लास 10th में पढ़े हैं कि पावर क्या होता है। तो जनरली हम लोग जो पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू VI, वोल्टेज और करंट को प्रोडक्ट कर देते हैं तो पावर आ जाता है। लेकिन आज समझेंगे कि अगर एसी सर्किट है तो वहाँ पर पावर कितना होता है और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो समझिए सबसे पहला चीज़ कि पावर होता क्या है। तो पावर जैसा कि पढ़े हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम, इसी को बोल सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी सर्किट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को पावर बोलते हैं। तो ये पावर का डेफिनेशन, तो ये जो फार्मूला है ये तो बहुत बेसिक रहा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पावर इन एसी सर्किट। अब ये हमारा एसी सर्किट है जिसमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है, पर्टिकुलरली मैं बात नहीं करूँगा किसी एलिमेंट के, और ये सप्लाई लगा हुआ है। दिस इज इक्वल टू E0 sin ωt एंड इसमें जो करंट फ्लो करेगा I = I0 sin ωt −5। अब आप सोच रहे होंगे कि −5 क्यों लिया गया है। देखिए मेरा ये कहने का मतलब यह है कि करंट हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट और EMF की बात किया जाए तो उनके बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम फेजर एंगल बोलते हैं। तो कोई ना कोई फेज होगा, हालांकि अगर रजिस्टर है तो फेज जीरो होगा, वो भी मैं बढ़ा भी चुका हूँ कि रजिस्टर में वो फेज जीरो होता है, लेकिन मैं एक जनरल केस मान के चल रहा हूँ कि फाई एक फेजर एंगल है जिसकी वजह से EMF से इतना फेज फाई फेज वो पहले चल रहा है करंट, या प्लस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पावर का हमारा तो एक ही फार्मूला है, P = VI यानी कि EI, वी तो यहाँ नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू E0 sin ωt × I की वैल्यू I0 sin ωt −5। E0 × I0 sin ωt × sin ωt −5। ये तो यहाँ तो जनरल वर्क किया गया है, कांस्टेंट को एक तरफ और जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो टर्म है उनको एक तरफ। अब इसमें क्या किया गया है कि E0 × I0 / 2, इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, sin ωt − 5, यही वर्क यहाँ पर किया जाए कि किसी भी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला है, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये है क्लास 10th का कि sin2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है cos A − B − cos A + B। इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। जब इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि पावर इज इक्वल टू E0 I0 / 2, यहाँ हो जाएगा
कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस फाइव माइनस, क्योंकि ये ए है और ये पूरा बी है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, यही आएगा। यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन टू ना कॉस फाइव, यह आ जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, ये टर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन टू ना इंटू कॉस फाइव, यहाँ पर जो अगला कोसाइन टर्म है यानी कि ये वाला जो टर्म है ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, और मैंने बताया है कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई टर्म है तो एक साइकिल के लिए वो टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो है कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव ये जीरो होगा कब, ओवर वन कॉम्प्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए इस टर्म की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बताया क्या है लेक्चर में आप देख सकते हैं। अब तो ये आ गया, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई नॉट अपान रूट टू इंटू आई नॉट अपान रूट टू इंटू कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू पी, क्योंकि टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए, अगर याद होगा तो पिक वैल्यू अपॉन रूट टू को आरएमएस बोलते हैं, तो ये हो गया ई आरएमएस और ये हो गया आई आरएमएस इनटू कॉस फाइव दैट इज इक्वल टू पी, ये आ गया हमारा पावर इन एसी सर्किट। अब यहाँ पर तीन केस बनेगा कि यही पावर रजिस्टर के लिए कितना होगा, जैसे फॉर रजिस्टर, तो रजिस्टर में क्या होता है आपको याद होगा कि फाई की वैल्यू जो होगा जीरो डिग्री होगा, फाई की वैल्यू कितनी होगी जीरो डिग्री, जब फाई जीरो होगा तो पावर कितना आ जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो वन का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर ये आ जाएगा। अब बात किया जाए कि फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए कितना होगा, देखिए तो इंडक्टर के लिए जो फाई की वैल्यू होता है वो पाई बाई टू आएगा, अब पाई बाई टू आएगा तो पाई बाई टू वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो पावर निकल जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास पाई बाई टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं बात करूं एसी सर्किट में किसके लिए, पावर के लिए, इंडक्टर का केस अगर हो तो वहां पर पावर जीरो आएगा। लास्टली क्या है, फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में फाई कितना होगा माइनस पाई बाई टू, फाई इज माइनस पाई बाई टू, अब माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस माइनस पाई बाई टू, तो आपको पता है कॉस माइनस थीटा भी कॉस ही थीटा होता है, तो ये भी ओवरऑल कितना जाएगा जीरो आ जाएगा। तो यही पावर रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए हम लोग देखा, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में तो ये पावर जीरो आ रहा है लेकिन रजिस्टर में ये पावर फाइनाइट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये जो हमारा सर्किट है LCR सर्किट होता, कौन सा सर्किट होता LCR सर्किट, LCR सर्किट अगर होता तो LCR सर्किट में क्या होता, तो आपको पता होगा कि LCR सर्किट में जो phi होता है वो क्या होता है कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R, ये phi होता है ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो पावर आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस
कॉस, अब यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्सएल माइनस एक्स बार आर, ये हमारा आ जाएगा क्या पावर, किसके लिए, एक एलसीआर सर्किट के लिए। लेकिन अगर कोई पूछे कि एलसीआर में ही अगर रेजोनेंस कंडीशन की बात की जाए, तो मैं बता दूं कि इन रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सएल है वो एक्सी के इक्वल हो जाता है, यही तो रेजोनेंस है। तो इस फार्मूले में जरा देखिए कि एक्सएल की जगह एक्सी रख देंगे तो न्यूमरेटर तो जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, फिर टेन इनवर्स जीरो जीरो, कास जीरो वन, ध्यान समझिएगा, ये ऊपर जीरो, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होगा क्योंकि जीरो एंगल का ही वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ आ गया कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू पूछा जाए तो वन, यानी कि जो पावर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा ये आ जाएगा ई आर एम एस जो वैल्यू होती है पावर की वो होगा मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ये है प्योरली रजिस्टिव सर्किट। यानी कि देखिए रजिस्टर में भी मैक्सिमम आया होगा, देखिए ये रजिस्टर मैक्सिमम आया है और ये रजिस्टर, क्योंकि एलसीआर में भी अगर रेजोनेंस हो तो रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसलिए दोनों का सेम आया है और यही मैक्सिमम पावर होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एनर्जी एंड एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, ये वाला टॉपिक कि अगर रजिस्टर लगा हो सर्किट में तो एवरेज पावर कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये रजिस्टर आर लगा हुआ है और ये एसी सर्किट है, यानी कि ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी की तरह है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि रजिस्टर के केस में लीडिंग लैगिंग तो नहीं होता है, नो लीडिंग नो लैगिंग, तो यहाँ पर फाई जीरो होगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर पावर कोई पूछे तो पावर कितना होगा, E इंटू आई का मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, सो दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा आ गया जनरली पावर, ये हमारा पावर आ गया। अब समझना है यहाँ पर ये है कि पावर क्या होता है, तो मैंने बताया ना डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये पावर है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पावर है, तो डी डब्ल्यू कितना आएगा यहाँ से पी डी टी, डी डब्ल्यू कितना आएगा पी डी टी, पावर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है कि अगर पूरा पावर यहाँ वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू जीरो इंटू टी, यहाँ पर क्या होगा लिमिट जीरो से टी, लिमिट इज जीरो टू टी, क्योंकि टाइम के एस्पेक्ट में हो रहा है। अब ध्यान समझे, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आ जाएगा, इस साइड में ई नॉट और आई नॉट कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, कैसे होगा, ई नॉट इंटू आई नॉट, ये तो एज इट इज रहेगा जीरो टू टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू डी टी, हम साइन टू
थीटा यानी कि सॉरी कॉस टू थीटा के फार्मूले से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू आई नॉट और अपान टू, ये टू बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से टी। यहाँ पर दो टर्म है, एक वन है तो वन डी टी हो गया, दूसरा माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी, ये सेकेंड टर्म हो गया। कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ई नॉट आई नॉट अपान टू। ना यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी टी का जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो टी आएगा, लिमिट जीरो से टी, माइनस कॉस ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा जीरो से टी। ये हमारा इंटीग्रेशन है, इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इसके बाद हमें कंप्यूट करना है लिमिट। अब क्या होगा, ये देखिए ये टर्म आपको याद आ रहा होगा, अभी छोड़िए इसको ऐसे रहने देते हैं, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू लिमिट टी माइनस। यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ पर एक बार टी पुट करेंगे तो वो साइन टू ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन टू ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन जीरो होल अपान टू ओमेगा, ये ई नॉट आई नॉट अपान टू टी माइनस साइन टू ओमेगा कैपिटल टी का मतलब है, मतलब कि टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू पाई अपन टी, तो वहाँ से टी कट जाएगा, टू पाई फोर पाई साइन फोर पाई, और साइन फोर पाई की भी वैल्यू जीरो और साइन जीरो की भी वैल्यू जीरो, इसलिए ओवरऑल ये टर्म ही जीरो हो गया, माइनस जीरो। सो हमारे यहाँ से क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट अपान टू इंटू टी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपान टाइम। वर्क डन की वैल्यू निकला हुआ है ई नॉट आई नॉट अपान टू इंटू टी होल अपान टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ये आ गया ई नॉट आई नॉट अपान टू, जिसको हम ई आर एम एस आई आर एम एस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट टू में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो हमारा जो फाइनली पावर कैलकुलेट हो गया वो क्या होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस, ये हमारा पावर किसके क्रॉस आया, एक रजिस्टर के क्रॉस इतना पावर एसोसिएट होगा। कितना सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें करना है, ये इतनी लाइनें एक्सपेंड करके लिखने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझ में आए, बाकी फिजिक्स तो यही तक था, ये फिजिक्स यहाँ से ख़त्म हो गया। इसके बाद शुरू हुआ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कैलकुलस है पूरा, इंटीग्रेशन कर देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक इस तरीके से है कि एनर्जी एंड पावर एसोसिएटेड विथ प्योर इंडक्टर, एंड एनर्जी एंड पावर एसोसिएटेड इन प्योर इंडक्टर। अगर सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, लाइक इंडक्टर लगा हुआ है, यह सर्किट है, दिस इज एल, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको यहाँ एक चीज पता होगा कि ईएमएफ में इंडक्टर में जो ईएमएफ होता है उसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि अगर पोटेंशियल इस तरह से है तो ईएमएफ इस तरह इंड्यूज हो गए, फराडे ने बताया था, क्योंकि तभी तो बताए थे कि ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये ईएमएफ था। अब ध्यान समझिए, ये ईएमएफ हो गया, तो इसकी एक क्रॉस जब टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे यानी कि वीएल निकालेंगे तो हम वीएल को क्या करेंगे, माइनस ई करेंगे। अब देखिए क्यों माइनस ई करेंगे, क्योंकि हमने बताया ना कि फराडे लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी लेंज लॉ, फराडे तो सिर्फ एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज ने बताया था कि
टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूज ईएमएफ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए वी एल इक्वल टू माइनस ई। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू वी। ये हमारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है किसके अक्रॉस, एक इंडक्टर के अक्रॉस। अब देखिए क्या करना है, हमें निकालना है वर्क डन। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा इंडक्टर में, देखिए वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, यही होगा। तो यहां से डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इंटू डी क्यू। अब हम यहां पे वी की वैल्यू अगर उठा के पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, सिंपल सा है एकदम, हमने इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया, डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एल डी आई, और जहाँ पर डी क्यू है उसके डिनोमिनेटर में डी टी को ले जाएं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। सो दैट इज इक्वल टू एल, ये क्या हो जाएगा आई है, इसको लिख देंगे आई डी आई, और इस साइड डी डब्ल्यू चल रहा है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई आ गया। अब हमें पूरा वर्क डन चाहिए तभी तो एनर्जी निकलेगा, क्योंकि हम पहला हमारा एम है एनर्जी को फाइंड करना। तो हम दोनों साइड को जब इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एल आई डी आई, एल आई डी आई लिमिट जीरो, ये तो लिमिट सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जीरो टू आई। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए तो इधर आ गया एनर्जी इंटीग्रेशन, क्योंकि डी डब्ल्यू को जब वर्क डन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, L इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन जीरो से आई आई डी आई, ये हमारा इंटीग्रेशन है। L इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा आई जीरो, L आई स्क्वायर बाई टू फाइनली, बिकॉज जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, तो ये तो खत्म हो गया। हाफ एल आई स्क्वायर इज एनर्जी स्टोर अक्रॉस अ इंडक्टर। तो क्या देखें कि एक इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज अ इंडक्टेंस एंड आई करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि इतना ये एनर्जी स्टोर करेगा। अगर न्यूमेरिकल से बनेगा तो एल की वैल्यू दी रहेगी, आई की वैल्यू दी रहेगी, पूछेगा कि इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी स्टोर निकालिए, तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं कि ये कितना पावर ड्रॉप करेगा। तो पावर की तरफ बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पावर निकालने का पूरा सेम तरीका है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि एक इंडक्टर में तो ईएमएफ सही है कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया है, लेकिन करंट कितना होता है, तो ये करंट होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। 90 डिग्री जो करंट है वो क्या करता है, वो 90 डिग्री करंट यहाँ पर लैग करता है इंडक्टर में। आपको याद नहीं होगा तो ये ग्राफ आप याद करें, दिस इज ई एम एफ एंड दिस इज आई, ये 90 डिग्री करंट यहाँ पर क्या करता है, लैग करता है। कौन कितना करता है, 90 डिग्री लैग, यानी कि ई एम एफ से 90 डिग्री करंट पहले ही चलता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस पाई बाई टू है। पावर निकालने का क्या फार्मूला है, पावर है पहले तो हम जनरल पी निकालेंगे ई आई करके, क्या हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करेंगे। अब देखिए ये हो गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन
पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये टर्म हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पर थीटा माइनस 90 था वो 90 माइनस थीटा हो गया और यहाँ बाहर माइनस आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन 90 माइनस थीटा, सबको पता है कॉस थीटा होगा, यानी कि कॉस ओमेगा टी आ गया, ये हमारा टर्म बन गया। अब इसके बाद देखिए कैसे होगा, P इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट, आप इसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा ई नॉट आई नॉट माइनस अपान 2। यहाँ पर एक फार्मूला हम क्लास 10 में पढ़े हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए नॉट बी इज इक्वल टू साइन 2a। तो यहाँ पे दोनों जगह ए ही है तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू पी। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला करेंगे, कौन सा, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, पी की वैल्यू पुट कर लेंगे, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी डी टी, ये आ गया डी डब्ल्यू। फिर से वही कार्यक्रम, इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, यही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, क्या आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 से टी। इसके बाद ई नॉट प्लस आई नॉट अपॉन रूट टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा, ये 4 हो जाएगा 4 ओमेगा। अब यहाँ पर आएगा कास 4 पाई, ये आ जाएगा कास 4 पाई माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कास 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1 और कास 0 की वैल्यू होगा 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि पावर कितना आ गया 0 आ गया, पावर आ गया 0। जब पावर 0 आ गया तो सॉरी पावर नॉट पावर इज वर्क डन, वर्क डन जब 0 आ गया तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन ही 0 है तो टाइम कुछ भी हो पावर 0 आएगा। क्या देखा हमने कि एक्रॉस अ इंडक्टर पावर कितना रहा है 0 आ रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसको थोड़ा सा इसको डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप है, आप इसे समझेंगे तो आ जाएगा। अब हमारा एक टॉपिक बचा कि एनर्जी एंड एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ प्योर इंडक्टर, कि एक इंडक्टर के क्रॉस कितना पावर एसोसिएट होगा इसको हमें जानना है। तो देखिए इसी तरह से जैसे ये डिराइव हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटर का भी डिराइव करना है। कैसे, जैसे कि ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एसी पावर लगा हुआ है सप्लाई, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज सी। तो देखिए अगर इसकी वजह से इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू, हमें सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, Q
इज इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान सी, यही तो होगा, क्यू इक्वल टू सी वी तो भी इक्वल टू क्यू अपान सी। अब जब भी निकल गया तो भी की एक वैल्यू और होता है डी डब्ल्यू अपान डी क्यू, यही होता है, हम यहाँ पर भी कैपिटल क्यू ले लेते हैं डी क्यू, तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा भी डी क्यू। चलिए भी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपान सी इंटू डी क्यू, तो डी डब्ल्यू तो निकल गया। अब कैपिटल डी कैपिटल क्यू डब्ल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन क्यू अपान सी डी क्यू, लिमिट जीरो से क्यू, क्योंकि क्यू के टर्म में हो रहा है, तो इधर तो एनर्जी आ गया, यहाँ पर क्या आया क्यू इज अ सी इज अ कॉन्स्टेंट, वन बाई सी इज अ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू, सो वन बाई सी, जब क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से क्यू, ये क्या हो गया हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी इज अ एनर्जी स्टोर अक्रॉस अ कैपेसिटर, ये एक फार्मूला बन गया। अब देखिए क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू अभी मैं बताया हूँ सी भी होता है, एनर्जी आया है हाफ क्यू स्क्वायर यानी कि सी भी का स्क्वायर अपान सी, ये हो जाएगा हाफ एक सी से एक सी स्क्वायर कट गया तो ये हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन गया, एक ये बन गया एक ये बन गया। एक और बन सकता है कैसे कि हमारा जो एनर्जी आया है यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से क्यू अपान भी, यानी कि हम क्यू अपान भी पुट कर लेते हैं, अपान वाला न्यूमरेटर चला जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसल, हाफ क्यू इंटू भी स्क्वायर दैट इज इक्वल यू। क्या लिख रहे हैं कि जो कैपेसिटर कितनी एनर्जी एसोसिएट करेगा या कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, वो क्या एनर्जी कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो चाहे वो क्यू सी के टर्म में हो या सी वी के टर्म में हो या क्यू वी के टर्म में हो, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं, किसी पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। अब हमारा मेन यहाँ पर जो है कि एवरेज पावर एसोसिएटेड कितना होगा, कितना एवरेज पावर एसोसिएट करेगा एक कैपेसिटर, तो चलिए एवरेज पावर एसोसिएटेड के टर्म में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ईएमएफ, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जो ईएमएफ होगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है, आई क्या होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा, ये देखिए ये प्लस पाई बाई टू होगा, ठीक है। अब वही काम करना है फिर से, पावर ई आई यानी कि ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ना, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड में जाएगा ये सीधा सीधा कॉस ओमेगा टी हो गया, फिर से वही काम ई नॉट आई नॉट अपान टू इंटू टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, सो दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपान टू साइन टू ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पी, यहाँ से पी निकल गया। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा पी डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट आई नॉट अपान टू साइन टू ओमेगा टी लिमिट जीरो से टी इंटू डी टी, ये इंटीग्रेशन अभी अभी करके बताया हूँ कि यहाँ से जो डब्ल्यू होगा वो जीरो आएगा, तो पावर कितना होगा डब्ल्यू अपान टी, सो दैट इज इक्वल टू जीरो अपान टी एंड इज इक्वल टू जीरो, तो जो यहाँ पर भी पावर एसोसिएटेड होगा कैपेसिटर में
वो कितना पावर एसोसिएट होगा, जीरो पावर एसोसिएट होगा। ये वाला चीज़ मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी इसको इंटीग्रेट करके बताया हूँ, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर यह समझ में आया कि क्या होता है हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, किसी के क्रॉस पावर कितना एसोसिएट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है, आप अगर कंटिन्यू देखे होंगे तो आपका आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक स्पेशल थैंक्स भी, क्योंकि आपने पूरा कंटिन्यू आपने किया, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक है पावर फैक्टर, जो कि आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसे अगले लेक्चर में इसके पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप इतना डेरिवेशन वगैरह करते करते इसमें थोड़ा सा बोर हो चुके हैं कि अभी थ्योरी सुनेंगे नहीं, तो अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए और दूसरे को भी कहिए देखने के लिए। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।